भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचकर चुनाव आयोग में कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के निजी वाहनों एवं घरों पर उनकी इच्छा से लगाए गए पार्टी के झंडों प्रतीकों को गलत तरीके से हटाने से रोकने के लिए ज्ञापन सौंपा। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं पर हो रही सरकारी कार्रवाई का विरोध किया है। इसके लिए एमपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे, जहां उन्होंने आवेदन देकर प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं के घर और वाहनों से पार्टी के झंडे बैनर हटाए जाने का विरोध किया है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी नियमों को मानने वाली पार्टी है और किसी भी दल का कार्यकर्ता आचार संहिता के बावजूद अपनी निजी प्रॉपर्टी पर पार्टी के झंडे लगा सकता है, जबकि प्रदेश भर में शासकीय अधिकारी कर्मचारी भाजपा कार्यकर्ताओं के वाहन और मकान से पार्टी का झंडा हटा रहे हैं। बीजेपी ने ऐसे नियमों के खिलाफ बताते हुए निर्वाचन आयोग से अपने कर्मचारियों के लिए एक सर्कुलर जारी करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये ध्यान में आ रहा था कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों पर जो कमल के निशान उन्होंने लगाए थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के घरों पे जो झंडे लगाए और उसके साथ ही साथ हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने जो मोटरसाइकिल पर झंडे लगाए, कुछ अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर उनको हटाने का कार्य किया गया। इस प्रकार का कार्य मॉडल कंडक्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ है। वो पत्र चुनाव आयोग को दिया, हमने नियम को भी कोट किया, और सबसे बड़ी बात है कि आज चुनाव अधिकारी जी ने भी हमारी बात से सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इस बात की परमिशन है, वो इसको लेकर के उन्होंने हमें आश्वस्त किया है। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज़ पर।